बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब तक आएगा और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए किस किस ब्रांच के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना आपको आवेदन फी लगेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इन तमाम बातों को इस वीडियो में पाएंगे। जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास टेंथ की एग्ज़ाम दिए हैं या एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, पिछले वर्ष जिनका नामांकन नहीं हो पाया था और इस बार क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने वाले छात्र या पास हो चुके छात्र, सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए, बिहार पॉलिटेक्निक को हम जो है डीसी ईसी के नाम से भी जानते हैं। डी से हो गया डिप्लोमा, सी से हो गया सर्टिफिकेट, ई से हो गया इंट्रेंस, सी से हो गया कॉम्पिटिटिव और ई से हो गया एग्जामिनेशन। तो इनको हम डीसी ईसी के भी नाम से जानते हैं। और इस एग्ज़ाम को आयोजित कौन करता है, तो वो करता है बीसी ईसी करता है, यानी बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। अब देखिए, तो बीसी ईसी ईबी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कितना फी आपको देना होगा। अगर आप एक कोर्स के लिए आवेदन करते हैं, जनरल ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको 750 रुपये फ़ी देने होंगे, और जो भी एससी एसटी का कैंडिडेट है उनको 480 रुपया लगेगा। अगर दो कोर्स के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको 850 रुपये लगेंगे, और एससी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो है 530 रुपये रखे गए हैं। तीन कोर्स के लिए आप आवेदन करते हैं तो 950 रुपये, और एससी एसटी के लिए 630 रुपये हैं। चार कोर्स के लिए आप आवेदन करते हैं तो 1150 रुपये लगेंगे, एससी एसटी को 750 रुपये लगेंगे। तो ये तो हो गया कोर्स फी। बात कर लेते हैं कि किस कोर्स के लिए क्या एजुकेशनल यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जो भी स्टूडेंट टेंथ पास कर चुके हैं या इस बार अपेयरिंग हुए हैं, ये सभी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, नो मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट है अप्लाई के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पीपीई यानी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इसके लिए भी 10वीं पास या जो भी अपेयरिंग है, और साथ ही या जो 2 वर्षीय आईटीआई पास कर चुके हैं, वे भी स्टूडेंट इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम पीएमडी की बात कर लेते हैं। तो पीएमडी हो गया पारा मेडिकल, और डी से हो गया आपको डेंटल। तो मैट्रिक लेवल यानी मैट्रिक अपेयरिंग या पास छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीएम के लिए यानी पारा मेडिकल। तो पारा मेडिकल जो है ये इंटरमीडिएट लेवल के लिए है, यानी जो भी छात्र जो है 10+2 यानी इंटर पास कर चुके हैं या इस बार अपेयरिंग हुए हैं, तो वे सभी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए एज का लिमिट है, यानी कम से कम उम्र जो है 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 32 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि पीई और पीपीई के लिए आपको जो है फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 मार्क का रहता है। तो 30 या 90 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क के, तो 9×5=45 यानी 450 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पीई और पीपीई के लिए फॉर्म भरेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पीएम के लिए, पैरामेडिकल के लिए। तो इसमें देख सकते हैं कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा तो 125 मार्क हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद आपको जीके से 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन 5 मार्क का है तो 450 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम पीएमडी का हम सिलेबस जान लेते हैं। पीएमडी, तो देखिए, इसमें आपको फिजिक्स से आपको जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, और उसके बाद हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
जीके से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे जो 450 मार्क के होंगे। तो यहाँ पर आपने जान लिया है इसके सिलेबस को भी। अब हम आरक्षण की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एससी के लिए जो है 16% सीट आरक्षित है, वहीं एसटी के लिए 1%, उसके बाद ईबीसी के लिए 18%, उसके बाद बीसी के लिए 12%, उसके बाद हो गया आपको आरसीजी के लिए 3% सीट जो है आरक्षित है। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि इसका फॉर्म जैसे आए आपको जानकारी मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।